हेलो भाइयों। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लड़कियों के कुछ इशारों की, जो कि हम लड़के हमेशा समझने में नाकामयाब हो जाते हैं। लड़कियों के वो कॉमन झूठ जो कि वो हर रोज़ बोलती हैं, लेकिन हमें लगता है वो सच बोल रहे हैं, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। और लड़कियों की वो कुछ अजीबोगरीब बातें, उनकी कुछ अटपटी बातें जो कि हम कभी नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर कर सकूं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, नथिंग आई एम ओके, कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब भाई, लड़की 4 से 6 घंटे तक आपको घूरती रहेगी कॉन्स्टेंटली, आपको देखती रहेगी, आपसे बात नहीं करेगी, ये पूरा दिखाएगी कि हाँ वो आपसे नाराज है, लेकिन जब आप उसे पूछोगे कि क्या बात हो गई तो बोलेगी कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। आपको भी लगेगा यार कोई बात नहीं, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँगा, थोड़ा सा उसका मूड खराब होगा, अपने आप सही हो जाएगा। फिर वो आपको 2 घंटे तक घूरती रहेगी, फिर आप उससे पूछोगे कि भाई क्या बात हो गई, फिर वो बोलेगी कुछ नहीं बस ऐसे ही। आप सोचोगे यार कुछ ज़्यादा ही उसका मूड खराब होगा, मैं अपने घर जाता हूँ, बाद में देखेंगे। वो भी अपने घर जाती है, आप भी अपने घर जाते हो, फिर आप उसको कॉल लगाते हो, कॉल का कोई जवाब नहीं। आप उसको मैसेज देते हो सीन करके, कोई रिप्लाई नहीं। फिर आप उसको नॉर्मल मैसेजिंग करते हो, कोई रिप्लाई नहीं। फिर जब वो आखिरकार फ़ोन उठाती है और आप उससे पूछते हो कि भाई क्या बात हो गई, तो बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही। इसका आप क्या मतलब है? देखो, अगर तो ये आपके साथ महीने में मतलब 20-25 दिन में 1-2 बार अगर वो कर रही है ना, तो कोई बात नहीं यार, लड़कियों का वो कुछ एक नेचुरल रीज़न होता है, तो ऐसा ठीक है, वो हर सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो हफ्ते में कर रही है या फिर 4-5 दिन में कर रही है, हाल फिलहाल में आजकल करने लगी है, तो इसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, आपने उससे कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जो कि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी। तो भाई घर जाओ, आराम से लेटो और पिछले 4-5 दिन की बातें याद करो, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता लड़की कौन सी बात लेके कब गुस्सा हो जाए, वो आपको कभी नहीं समझ में आएगा। तो भाई अपनी गलती को देखो कि आपने क्या गलती कर दी, जाके उससे माफ़ी मांगो, सब सही हो जाएगा। इसका जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई हो सकता है उसकी फ्रेंड का एक नया बॉयफ्रेंड बना हो, जो कि आज उसको कुछ ज़्यादा ही केयर दिखा रहा हो, कुछ ज़्यादा ही उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा हो, तो लड़की उसको बता रही होगी आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वही एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आप तो भाई दे नहीं पा रहे हो। तो भैया वो ये दिखाना चाह रही है, इशारे दे रही है कि भाई आकर तुम उससे बात करो, उसकी थोड़ी केयर करो, उसके बारे में थोड़ा सोचो, उसको थोड़ा टाइम दो, समझ रहे हो, उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ। तो लड़की यही चाहती है, तो जाके उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, उसके बारे में बात करो, थोड़ी तारीफ करो, सब सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। देखो, अगर आप उससे उसको प्रपोज करने गए हो तो ज़्यादातर यही होता है कि लड़की कहती है तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, वो भी तब जब वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। तो भाई अगर वो ये कहती है ना कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो या तुम्हें मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि बेटा भक्त तेरी औकात नहीं है मेरे सामने। अब वो डायरेक्ट तो कह नहीं पाती, लेकिन वो यही कह देती है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। अब भाई उसका ये बड़प्पन है, उसका एक बड़ा दिल है, तो बहुत अच्छी बात है कि उसने इतने में ही सुलटा दिया। कभी हमारे दिल्ली में आकर देखना भाई, ऐसी ऐसी बातें कह जाती हैं कि आपको बस सुनते ही रह जाओगे। तो भाई अगर वो ऐसा कह रही है तो समझ लो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो और फिर वो अगर वो ऐसा कह रही है हाल फिलहाल में कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो बहुत अच्छा भी है, तो लड़की बस इसीलिए उसको छोड़ के रखी है कि यार तुम पहले से ही उसके बॉयफ्रेंड हो। तो आपको वार्निंग दे रही है कि बेटा सुधर जाओ, अगर तुम ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमको छोड़ के लात मार के भगा दूंगी और उस लड़के को ले लूंगी। तो भाई संभल जाओ, उसको जाके थोड़ी इंपॉर्टेंस दो, थोड़ी वैल्यू करो, थोड़ी कदर करो उसकी। तो भाई यही है इसका मतलब। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है मैं बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप जब लड़की को प्रपोज करने जाते हो तो वो कहती है मैं ना बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड भी है तब भी वो बोलती है मैं ना बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ। इसका क्या मतलब होता है? देखो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, पहले में अगर बात करें कि आप उसको प्रपोज करने गए हो तब ये लड़की कह रही है, तो भाई वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब दिखा रही है अपने आप को, एटीट्यूड दिखा रही है, छोड़ो उसको। लेकिन वो आपकी फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, फिर ऐसा कह रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आजकल आप उसको छोड़ के किसी तीसरी बंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। हो सकता है उसकी फ्रेंड को, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो भैया बच के रहना, क्योंकि अगर आप उसकी फ्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो आजकल, उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफें कर रहे हो, उसके कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ रहे हो, तो लड़की आपको वार्निंग दे रही है कि ऐसा मत करो। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ, यानी कि मेरे में भी कुछ है। अरे भाई मुझ में भी तो अट्रैक्ट हो, उसमें क्यों लगा हुआ है तू इतना? तो भाई यही है इसका मतलब। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ लेकिन आई लव यू बट, अब आगे आपको पता ही होगा एज अ फ्रेंड, यानी कि भाई मुझे ये बताओ कि
दोस्ती में कौन सा प्यार होता है भाई? मतलब प्यार करती हो लेकिन दोस्त की तरह, ये कौन सा प्यार होता है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आया। तो यार इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सीधे सीधा इसका मतलब यही है कि वो आपको फ्रेंड जोन कर चुकी है। और फ्रेंड जोन एक ऐसा ट्रैप है ना भाई कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं निकल पाओगे, और उसमें फंस गए तो फंस ही गए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूं जिसमें मैं आपको बता सकूं कि फ्रेंड जोन से कैसे बचते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये होता है जलन। देखो ये लड़कियां जब करती हैं, जब वो अपने फ्रेंड की रिस्पेक्ट में ये बातें कह रही होती हैं। देखो हो सकता है कि आजकल उसकी फ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस मिल रही हो, तो लड़कियां इन्हीं चीज़ों का यूज़ करती हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ मतलब ही नहीं है उससे। बट उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है यार, वो बहुत ज़्यादा जलती है। देखो लड़कियां ना सच में बहुत जेलस फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो अगर आप लड़की के सामने किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या आपकी गर्लफ्रेंड है उसकी फ्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो भाई ये समझ लो आप मौत को दावत दे रहे हो। भैया ऐसा मत करना। लड़की बहुत बार ऐसा दिखाएगी, बहुत ज़्यादा दिखाएगी कि मैं बिल्कुल कूल हूँ इन चीज़ों में, मुझे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी दोस्तों से आराम से बातें कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन भाई फ़र्क पड़ता है, भूल के भी मत कर लेना, नहीं तो भाई लात मारकर भगाएगी, और ऐसी लात पड़ेगी कभी सूजन नहीं जाएगी। तो भाई ये सब मत करना। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी फ्रेंड से कभी ये बातें मत करना। और अगर लड़की ये कह रही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है तुम उससे बात करो, उसमें लगे रहो, चिपके रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, तो भाई ये समझ लो कि आपके दिन जो अच्छे दिन हैं वो आने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले चीज़ की, जो कि है तुम ना बस ऐसे ही शक करते हो, वो मेरा एक बस अच्छा फ्रेंड है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम बस ऐसे ही शक करते रहते हो। तो भाई अगर आपकी एक गर्लफ्रेंड है और वो आजकल एक लड़के से ज़्यादा चिपक रही है, ज़्यादा कुछ बातें कर रही है, और वो कहती है वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो भाई संभल जाओ, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। मुझे भी नहीं समझ में आता यार, होता पता है क्या है कि रात को 1 बजे तक लड़की आपसे बात करती है, बोलती है कि अब बस मेरे को नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है भाई, आप भी बाय करते हो, गुड नाइट, ये वो फलाना ढिमकाना। उसके बाद 4 बजे तक ऑनलाइन रहती है, और आप उसे जब अगले दिन पूछोगे कि क्यों ऑनलाइन थी, तो बोलेगी मैं बस एक लड़के से बात कर रही थी और वो मेरा बस एक फ्रेंड है। तुम बस ऐसे ही शक करते हो, तुम बस ऐसे ही गुस्सा हो जाते हो, इतना मत सोचा करो। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़की आपके साथ ऐसा कर रही है तो थोड़ा सजग हो जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। पता है क्या, आजकल जो ये मार्केट में बंदा आया है ना बेस्ट फ्रेंड, ये सबसे ज्यादा काम बिगाड़ता है। मतलब कि अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही होगी, लेकिन जब ये बेस्ट फ्रेंड आता है ना, तो बस एल लगा जाता है पूरे रिलेशनशिप की। तो भाई बच के रहना, ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं बहुत हरामी होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है बस यार मैं फ़ोन रखती हूँ, मम्मा आ गई, या मैं नहीं आ पाऊँगी यार, वो ना पापा को ऑफ है यार, पापा घर पे ही है, मैं नहीं आ पाऊँगी यार, मैं नहीं आ पाऊँगी यार, वरना भाई को ना शक हो गया है, मैं नहीं आ पाऊँगी यार, मेरी जो बहन है ना आजकल वो यार मेरे पे ज़्यादा शक कर रही है। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वो आपसे सच नहीं बोल रही। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आपसे झूठ बोल रही है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि वो कमेंट बॉक्स में लग जाएंगी एक पूरी सत्यवादी औरत बनके। लेकिन भाई वो आपसे सच नहीं बोल रही, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। बहुत कम केसेस होते हैं 1-8% जब वो सच ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि भाई ये कौन सा मतलब ऐसी मम्मा होती है जो कि आकर आप उससे बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, उसकी लड़की तो छोड़ देंगी, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हो तो करने देंगी 4 बजे तक। मुझे नहीं समझ आया भाई, आपको समझ आए तो बता देना। तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं लड़कियों में। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी जितनी भी दुविधा थी, जितने भी आपके डाउट्स थे, उन सबको मैं क्लियर कर पाया हूँगा। तो अगर आपके कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है, और अगर आप सोचते हो कि आप किसी और की हेल्प करना चाहते हो, प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।